हाँ तुम्हें ये लगेगा कि यार भैया कुछ नहीं बोलेंगे इस वीडियो में, खाली बता देंगे इस मैन से बनाओ कलाकारी कर दो। नहीं, कलाकारी तो तुम्हें करनी आती है यार। हेलो एवरीवन, दिस इज शोभित दिरवान और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। नहीं नहीं, आज मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, आज मैं वीडियो का इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा। आज तुम दो चीजें देखोगे और अपने आप अंतर पहचानोगे, ठीक है। पहली चीज ये वो नोट्स हैं जब मैं 11th में स्टार्टिंग में आया था। अभी चैप्टर का नाम मत वो छोड़ो, ये कुछ पढ़ाते हैं कोटा में स्टार्टिंग में, कुछ ऐसे ही फालतू के चैप्टर होते हैं वो पढ़ाने लग जाते हैं। हाँ इंपॉर्टेंट होते हैं बट हाँ ये तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं है चैप्टर, ये पढ़ाते हैं। अभी तुम नोट्स पर ध्यान दो, मतलब किस तरह से लिखा हुआ है इस चीज का ध्यान देना। अब एक और चीज दिखाने जा रहा हूं, ये वो नोट्स हैं जब मैं 12th में आया था। मैंने बोला था ना कि अगर तुमने वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बोला था, मेरा एक ओरिएंटेशन हुआ था, उसके बाद मैंने हर चीज को संभाला था। तो ये वो नोट्स हैं जब संभालने के बाद 12th में मैंने बनाए थे, ठीक है। देख रहे हो किस तरह से मैंने अलग अलग पेन यूज करके बना रखे हैं। हाँ तुम्हें ये लगेगा कि यार भैया कुछ नहीं बोलेंगे इस वीडियो में, खाली बता देंगे इस पेन से बनाओ कलाकारी कर दो। नहीं, कलाकारी तो तुम्हें करनी आती है यार। मैं कुछ ऐसी ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा, कुछ ऐसी ऐसी माइनर चीजें जो कि तुम इग्नोर कर दोगे, और मैं इस बात की गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस समय अगर तुम ये डिजिटली पढ़ रहे हो तो 80-90% बच्चे ऐसे होंगे जो कि इस तरह वाले नोट्स बना रहे होंगे। यार तो मतलब खुद सोचो, तुम्हें अगर तुम कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो तुम्हें एक नोट्स को कम से कम 10-15 बार रिवाइज करना होता है, 10-15 बार। यार ये ऐसे टट्टी से नोट्स को पढ़ने का दिमाग करेगा तुम्हारा? ठीक है, तो खुद दिमाग लगाओ कि ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हाँ अलग अलग पेन से लिखने हैं, ये बात तो है, उसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जो कि इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहली बात ये, चलो नोट्स को ही देखते हैं, नोट्स को ही साथ साथ में देख के करेंगे कि हमें हिंदी में लिखना है। हिंदी में लिखना है मतलब भैया देखो कई बातें ऐसी होती है, ध्यान से सुनना इस बात को, कई बातें ऐसी होती है जब टीचर कुछ चीज लिखवा रहा होता है ना तो कुछ चीज में तो बोलेगा कि चलो इसे नोट कर लो, ठीक है, तो बोलेगा नोट कर लो, तो तुम नोट कर लोगे जो जो बोलेगा। पर कई बार वो कुछ नोट करवाने के बाद कुछ ऐसी बातें बोलता है या फिर उसे हिंदी में समझा देता है या फिर कुछ और इंपॉर्टेंट बात पढ़ाते पढ़ाते बोलता है हिंदी में, वो इंपॉर्टेंट होती है बट वो ये नहीं बोलता कि इसे नोट कर लो। पर तुम्हें इतना अलर्ट रहना है पढ़ते वक्त कि अगर वो कोई बात ऐसी बोल रहा है तो तुम्हें वो चीज नोट कर लेनी है, जैसे कि तुम इस नोट्स में देख सकते हो, ठीक है। यहां पे लिखा यूनिट वेक्टर, पहले तो सर ने अंग्रेजी में डेफिनेशन लिखवाई, ठीक है, अंग्रेजी में डेफिनेशन लिखवाने के बाद ही सर ने बोला चलो इसकी आसान भाषा में ये होता ही है कि किसी वेक्टर के अलोंग चलने वाला यूनिट मैग्नीट्यूड का वेक्टर ही मैग्नीट्यूड वेक्टर ही यूनिट वेक्टर होता है। अब इंग्लिश में अगर तुम्हें डेफिनेशन नहीं समझ में आ रही है तो तुम हिंदी में देखोगे, हाँ हिंदी में अपने आप दिमाग में स्ट्राइक कर गई, समझ में आ रही है बात। दूसरी बात यह होती है हिंदी में लिखने की कि तुम्हें अगर तुम बाद में नोट्स रिवाइज कर रहे हो तो हिंदी में अगर लिखा होगा ना कहीं पे और एक अलग कलर से पेन से लिखा होगा तो तुम्हारा दिमाग एकदम उस पे जाएगा, अरे यार ये चीज तो कुछ इंपॉर्टेंट थी जो सर ने उस समय बोली थी, ये एक बार और रिवाइज कर लेता हूं। तो ये बहुत बड़ा फायदा होता है हिंदी में लिखने का। और ये भी नहीं करनी इंग्लिश में लिखना है कि HEMA हमें बोल दिया तो HEMA, नहीं वो भी नहीं, प्योर हिंदी में लिखो जो तुम्हारी मातृभाषा है, ओके। दूसरी बात नोटेशंस बनाओ, नोटेशंस बनाओ मतलब देखो अंग्रेजी में NOTE नोट होता है, ठीक है, अंग्रेजों की है, हम अपना लाओ, ठीक है, कुछ अलग लाओ। देखो मैं दिखाता हूं, जैसे देखो इस वाले पेज पे देखो यहां पे कुछ फॉर्मूले थे तो मैंने ऊपर नोट नहीं लिखा उसको, के की पावर 3b, ये के क्यूब भी लिखा, ये मेरी नोटेशन है, जो बच्चे मेरे साथ 10th से थे उनको ये याद होगा, के क्यूब भी मतलब होता है कुछ काम की बात, ठीक है, तो कुछ काम की 3k थे उनको मल्टीप्लाई करा के क्यूब भी। तो इस तरह से अलग अलग नोटेशन बनाओ जो चीज इंपॉर्टेंट लगती है ना। एक मैंने आगे लिख रखा है यहाँ पे GML, GML मतलब क्या होता है, GML मतलब गोटा मार लो, ये अपने आप बनाए थे मैंने कि मतलब कि इस चीज को रट लो, सर ने बोला कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे रट लेना मतलब गोटा मार लेना। तो इस तरह से ऐसे अलग अलग नोटेशंस बनाओ, नोट वोट मत लिखो, ये तो बहुत पुरानी बातें हैं, नया अपना एक इन्वेंट करो, ठीक है। BKL मतलब बोर्ड के लिए, अगर सर JEE का पढ़ा रहे हैं और बीच में सर ने बोल दिया कि ये बात जो है JEE के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है पर तुम्हें बोर्ड्स में पूछ सकते हैं, तो उसके लिए मैंने लिख दिया BKL कि अभी अगर तू JEE की तैयारी कर रहा है तो BKL वाला मत पढ़ियो, बट अगर तू बोर्ड की तैयारी कर रहा है तो BKL वाला पढ़ के जाइयो, ठीक है। नोटेशंस बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरी बात आते हैं, हाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये देखो इस फॉर्मूले को देखो, ठीक है, इस फॉर्मूले में मैंने एक डब्बा बनाया, सर ने बोला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है डब्बा बना लिया, उसके बाद मैंने उस पर एक टिक लगाया, दो टिक लगाने होते हैं, पहला टिक जो होता है वो उसी समय इंस्टेंटली फॉर्मूला रिवाइज करने वाला, ठीक है, मैं क्लास में बैठा हूं, सर ने फॉर्मूला लिखवाया, मैंने डब्बा बना के एक टिक लगा लिया, कब वो टिक लगाया, जब मैंने फॉर्मूला रिवाइज कर लिया वहीं पे इंस्टेंटली। अगर वो वीडियो देखी होगी तो तुम्हें उसमें पता चल रहा होगा मैं यहाँ पे अच्छी तरह उसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है, वहां पे इंस्टेंटली रिवाइज कर लिया मतलब एक बार रिवाइज हो चुका है। दूसरी बार जब घर आके रिवाइज कर रहा हूं मैं नोट्स को, तो जब मैंने फॉर्मूला अच्छी तरह बाय हार्ट रट लिया है
तब मैं दूसरा टिक लगा दूंगा, ठीक है। तो एक फॉर्मूले के दो टिक का मतलब ये होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। ये मेरे को एक सर ने बताया था ऐसे करने के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथी बात जो आती है, हाँ, जब भी कोई क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो तो उसे पेन से ही अटेम्प्ट करना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि हमें तो नोट्स बहुत सजाने हैं, सजाना नहीं होता नोट्स को, हाँ अलग अलग पेन के कलर लेने होते हैं, बट कई चीजों में तुम्हें नोट्स को गंदे भी करने हैं। कब? जबकि तुम्हें क्लास में बोला है कि सर ने कि चलो ये थ्योरी पढ़ाई है, अब इसके लिए एक सवाल दे दिया सर ने। अब वो जब तुम सवाल सॉल्व कर रहे हो तो उसको वहीं पे, अगर तुम जब अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसको पेन से ही अटेम्प्ट करो जब तक सर सॉल्यूशन नहीं बता रहे हैं, ठीक है। अगर सर ने सॉल्यूशन बताया और वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुमने लिखा है तो सही है, बट अगर तुम्हारी उस वाले सवाल में कोई गलती है तो उसको पेन से ही काटो, फिर उसके बाद नीचे सॉल्यूशन लिखो जो सर बता रहे हैं। इससे क्या फायदा होता है? इससे फायदा यह होता है कि जब तुम नोट्स रिवाइज करोगे, अभी नहीं बाद में, दो तीन बार जब बाद में रिवाइज करोगे तो तुम दिमाग में आ जाएगा, हाँ यार जब मैंने खुद अटेम्प्ट करा था ना तो मेरी ये गलती हो गई थी। एग्जाम में ये गलती ना हो उसके लिए तुमने वहीं पर काट लगा लिया कि हाँ यार ये वाली गलती हुई थी, इसको रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रही है ना बात की कितनी कितनी अंदर अंदर इसमें बेसिक थ्योरीज हैं जो चीज मैं बता रहा हूं। पांचवा पॉइंट, छत पे लिखो। छत, छत मतलब देखो ये होता है ना ऊपर की ये जगह खाली होती है, ये मतलब ये मेरी फेवरेट जगह है। जब भी मैं नोट्स रिवाइज कर रहा होता हूँ या फिर कुछ नोट्स लिख रहा होता हूँ और मेरे को जगह नहीं मिलती ना, ऊपर मैं छत पे लिख देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि इस थ्योरी से रिलेटेड है, जो इस पेज पे है वो ऊपर लिखो, ठीक है। हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, अपने मन की भाषा में लिखो कि यार इस पेज पे ये लिखा हुआ है और इसका एक शॉर्ट चीज ये है, ठीक है। इसको मैं और अच्छी तरह बाद में बताऊंगा जब मैं नोट्स रिवीजन वाली थ्योरी वो बताऊंगा, वीडियो बनाऊंगा कि नोट्स किस तरह से इफेक्टिवली रिवाइज करने होते हैं, उसमें और इसका इंपॉर्टेंस पता चलेगी। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि हाँ छत पे लिखना होता है कुछ चीज इंपॉर्टेंट हो तो। छठवां पॉइंट, एक लेक्चर के बाद, जब एक लेक्चर हो गया तो आज का लेक्चर खत्म, अब तुम अगले दिन या एक दो दिन बाद दूसरा लेक्चर लेने जाओगे, ठीक है, या फिर डिजिटली पढ़ रहे होगे, तो एक लाइन लगा लो जहां पे खत्म हुआ है ना चैप्टर, जहां पे पिछले वाला लेक्चर खत्म हुआ है वहां एक लाइन लगा लो, जैसे मैंने यहां लगा रखी है, बहुत छोटी सी लाइन है ये, ठीक है। बट ये है कि इसके बाद ये दूसरे दिन का लेक्चर है, ठीक है, तो उससे क्या होगा फायदा वो भी उस वाली वीडियो में बताऊंगा मैं, रिवाइज वाली में। इतना इंपॉर्टेंस अभी नहीं समझ में आएगी जब रिवाइज वाली वीडियो में बताऊंगा मैं, ठीक है। हाँ बस अभी समझ लो कि ऐसे एक लाइन लगा लेना या फिर डेट लिख लो कि इस डेट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। हाँ लास्ट पॉइंट बट नॉट लीस्ट, 4 से 5 पेज हर चैप्टर के बाद छोड़ने हैं, ठीक है। एक चैप्टर वहां खत्म हो गया, सर ने बोला अगले पेज पे अगली हेडिंग लगाओ, नहीं अगले पेज पे मत लगाओ, कम से कम चार पेज छोड़ो। क्यों 4 पेज छोड़ने होते हैं? मान लो तुम किसी दिन कोई अलग उसी चैप्टर का सवाल सॉल्व कर रहे हो कहीं और बुक में कुछ भी, और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार ये सवाल मेरे नोट्स में होना चाहिए, क्यों? क्योंकि उसमें कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट है। बट अगर तुमने पेज नहीं छोड़े होंगे तो तुम कहां सोचोगे, कहां लगाओगे उस वाले सवाल को? बट अगर तुमने पेज छोड़ रखे होंगे तो उस चीज का वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या कोई इंपॉर्टेंट थ्योरी वो तुम उस जगह पे लिख पाओगे, ठीक है। इसलिए ये पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। तो आई होप ये 7 के 7 पॉइंट तुमने लिखे होंगे कहीं पे, ठीक है, वही एक पेज बना लो, टेबल पे लगा लो, टेबल के सामने लगा लो, ठीक है। एक और बात मैं ये बोल रहा हूं कि एट लास्ट ये बात और कि जो भी तुम्हारे नोट्स हैं उसके कवर वाले पेज पे, जो कवर वाला पेज होता है उस पे अपने आपकी मोटिवेशन के लिए ना एक लाइन लिख लो या कुछ भी लिख लो जो तुम्हारा एम है। जैसे मैंने यहां लिखा हुआ है कि ये है मेरा एम, ये था, ठीक है, कि IIT खड़गपुर में जाना है। हाँ ये वाली कॉलेज नहीं मिला, दूसरा कॉलेज मिला, बट एम तो क्लियर था। एम क्लियर होना चाहिए, एम को हर जगह लिख लो। मैं तो कह रहा हूं खाली कॉपी नहीं, हर पेज पे लिखो, ठीक है, अपने कमरे में हर जगह लिख दो कि ये IIT, ये एम्स, ये वो, ठीक है, जिससे मोटिवेशन बना रहे। ओके टाइम आ चुका है यार अपने को खुद को इंप्रूव करना है, ठीक है, खुद को इंप्रूव करना है। इस तरह से सड़े से नोट्स नहीं बनाने हैं, हमें खुद को इंप्रूव करना है। खुद को इंप्रूव करेंगे तभी फायदा होगा, नहीं तो फिर बेकार की हम वही जैसे 10th में रह गए थे या फिर पिछली क्लास में रह गए थे उसी तरह से आगे कंटिन्यू करेंगे और हमारी इंप्रूवमेंट नहीं होगी, फिर नंबर नहीं आएंगे, सिलेक्शन नहीं होगा, दिक्कत आ जाएगी, ठीक है ना। एक नोट्स ये जो है ये वाले, इसका मैं सैंपल, जो अच्छे वाले नोट्स है, मैं तो कह रहा हूं दोनों के सैंपल के 3-4 शुरू के पेजेस मैं नीचे PDF में डाल रहा हूं। खुद को वापस एक बार देखो उसको अच्छी तरह, एक बार दिमाग लगाओ कि हाँ यार ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये परफेक्ट नोट्स हैं, बट ये बहुत चीजों से अच्छे नोट्स हैं, ठीक है। जितने भी तुम बना रहे होंगे उससे तो ऊपर होंगे, इस बात की गारंटी है। अच्छी तरह करो यार, पढ़ना है, फोड़ना है, कहन मचाना है, आग लगा देनी है, ठीक है। जाओ चलो पढ़ लो, जाओ चलो चलो पढ़ लो।